आज महापंचायत ने मुझे पंचायती उम्मीदवार घोषित किया है। इन्होंने नौजवान को प्रशांत सन्नी यादव की टिकट नहीं काटी, इन्होंने उस हर नौजवान की टिकट काटी है जो आगे आने वाले देश के भविष्य के लिए लड़ना चाहता था। इन्होंने हर उस मध्यम वर्ग के परिवार को दबाया है जिनके परिवार के बच्चे राजनीति में आकर देश की सेवा करने चाहते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये वादा लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए और अपने घर को भरने के लिए सत्ता में बैठने के लिए ये वादा किया था। ये भारतीय जनता पार्टी एक कमजोर पार्टी है। ये पार्टी कभी भी वर्कर की नहीं है, ये कोई भी ये जो बातें बोलती है उस पर सच नहीं है। ये तो सिर्फ जो पार्टी को धमकाएगा, जो डराएगा, उसको ये टिकट देंगे। आप हर मंच पे राव साहब के मंच पर नतमस्तक नारे लगाते जी, ऐसे विश्वास में क्या कमी रहेगी कि राव साहब आप पे विश्वास नहीं जाता पाए और क्यों आपको रिकमेंड नहीं किया? मैंने कभी भी ना राव इंद्रजीत सिंह जी की सेवा में कमी छोड़ी। जिसने भी इसकी टिकट काटी है उसने प्रशांत सन्नी यादव के साथ दगा किया है, धोखा। अब इनको ये खतरा लगता है कि ये हमारे बच्चे तो इतनी मेहनत कर नहीं पाएंगे, हमारे ऊपर एक नालायक लड़का या अपना लड़की जो भी अपना थोपने के लिए हम जैसे गरीब बच्चों को दबाने का काम कर रहे हैं। ये दो परिवारों ने हमेशा किसी ना किसी गलत व्यक्ति को हमें ऊपर लेके आए हैं। जब नतीजे आएंगे तो इनको वोट की चोट से ऐलान करने का काम करेंगे। लगातार पहले उनके दादाजी एमएलए रहे, आज पहले उनके पिताजी रहे, मंत्री रहे, आज वो एमएलए। उन्होंने जो अपना काम किया है वो जनता के बीच में लेके जाए। देखिए, मैं लक्ष्मण जी के लिए ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने इतने अच्छे काम किए होते तो जैसे इन्होंने जाके मुख्यमंत्री जी के पास अपनी गुहार लगाई, राव साहब के पास भी बताते हैं गुहार लगाई, तो इन्होंने अपनी कोसली विधानसभा के लिए गुहार नहीं लगाई। इन्होंने तो जाके ये सोचा कि रेवाड़ी एक सुन्नी धरती है, अगर इन्होंने काम किया होता तो कोसली की 7 टिकट मांगते, रेवाड़ी की टिकट मांग के साबित कर दिया कि कोसली में इन्होंने नकार। मैंने वो वोट लेके घर पे आराम नहीं किया। जिनका आप नाम ले रहे हो वो लगातार या तो चुनाव जीत कर चंडीगढ़ में आराम किया और जो हार गए उन्होंने अपनी कोठी में आराम किया। उन्होंने कहा कि 7 साल मैं जनता से दूर रहा, मेरे पास पैसे का अभाव था। तो मैं तो ये बड़ा खुले मन से कह रहा हूँ, जनता पैसा नहीं प्यार मांगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा, मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, वीरदरा इरवाल में इस बार चुनावी जंग चरम पर दिखाई देने वाली है। तलवारें खींच चुके हैं, सेनापति अपनी सेनाओं के साथ मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस के चिरंजीव के लिए जहां अपना साम्राज्य बचाने की चुनौती होगी, वहीं बीजेपी ने कोसली विधायक पर दाव खेल दिया है। वहीं इस चुनावी रण में पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने भी सेना के साथ हुंकार भर दी है। वहीं बेहद साधारण परिवार में जन्मे बगैर किसी लिगेसी के एक बार फिर से चुनावी रण में उतरे प्रशांत रूप सन्नी के तेवरों ने भी पूरी तरह से समीकरण बदल दिए हैं। रविवार को प्रशांत रूप सन्नी यादव के पैतृक गांव बूढ़पुर में महापंचायत बुलाकर उनको रेवाड़ी विधानसभा से पंचायती उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। सन्नी 2019 विधानसभा चुनाव में 22,004 वोट लेकर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। महापंचायत के बाद रविवार को मीडिया से रूबरू प्रशांत रूप सन्नी नाम लिए बगैर राव इंद्रजीत सिंह कैप्टन पर जमकर बरसे। रेवाड़ी से चुनावी रण में उतरे तीनों प्रत्याशियों को भी अपने निशाने पर लिया। महापंचायत बुलाई थी, क्या पूरा कार्यक्रम था, क्या डिसीजन लिया गया? देखिए, आज महापंचायत बुलाई नहीं गई थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की, उससे मेरा जैसे ही नाम कटा लिस्ट में से, इस इलाके में एक बहुत बड़ा रोष पैदा हो गया और इलाके के नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने और बड़े बुजुर्गों ने ये निर्णय लिया कि महापंचायत में हम आगाज करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो आज महापंचायत इस क्षेत्र की जनता ने बुलाई थी और उस क्षेत्र की जनता ने बड़े खुले मन से ये फैसला लिया है कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, ना कि आप लड़ेंगे, और पंचायती रूप के उम्मीदवार आप रहोगे। तो आज महापंचायत ने मुझे पंचायती उम्मीदवार घोषित किया है। मैं सभी बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। क्या किसी ने एक सिंबल को लेकर थी किसी पार्टी के साथ जाएं या फिर जनता से, आप खुद भी कह रहे हैं कि जनता? देखिए, मैंने ये बात कही थी कि भाई किसी पार्टी से हम दूसरी पार्टी से, और ये नहीं है कि किसी पार्टी से हमारे पास ऑफर नहीं था, कि छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को, सभी पार्टी के हमारे पास ऑफर आई थी कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ें। परंतु जब पंचायत ये फैसला ले लेते कि आप पंचायती उम्मीदवार हैं, तो फिर आप किसी दल में नहीं जा सकते। पंचायत का उम्मीदवार तो जनता का उम्मीदवार होता है, तो हम जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जो सिंबल हमें आएगा उसके बाद हम अपना प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। पिछले 5 साल की हम बात कर ले तो लगातार अब एक्टिव भी दिखाई दिए और कहीं ना कहीं चर्चाएं भी थी
संघ में आप लगातार उनके कामों में लग रहे थे, संघ का काम हो, संगठन का काम हो, लगातार थे। वही राव के साथ भी आप लगातार देखे गए, उनका कोई भी चुनाव किस तरह की कुछ बातें हो, ऐसा क्या हुआ कि उनको टिकट आपकी काटनी, आपको क्या लगता है, क्या आकलन किया आपने? देखिए, मैं संघ का नाम लेना नहीं चाहता था कि आपने, मैंने जो जो शर्तें गिनवाई उसमें मैंने कभी भी संघ की नहीं गिनवाई, पर आज आपने अगर आप नाम ले दिया तो संघ का मैं स्वयं सेवक हूँ और हमारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमें ये सिखाती है कि जब भी देश को कोई ज़रूरत हो तो आप देश की लड़ाई लड़ें, और जब आपके क्षेत्र की कोई आवाज़ हो तो उस आवाज़ में कई बार कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई पार्टी या कोई अधिकारी गलत निर्णय ले लेता है, तो आपने वो बातें सब भूलकर अपने अधिकारियों की लड़ाई के लिए लड़ना है। ये हमारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने हमें सिखाई है। आपने कहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी का राव इंद्रजीत सिंह जी का साथ दिया है, देखिए मैं 5 साल से नहीं 10 साल से लगातार जब भी भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी चुनाव हुआ मैंने बड़े उमंग और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाया है, और मैं ये मानता हूँ कि पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कही हुई बात पर विश्वास करता है और उनको कहीं ना कहीं वो मानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कही है तो कहीं ना कहीं सफल होगी। मैंने भी अभी उन्होंने घोषणा की थी कि हम 1 लाख नौजवानों को राजनीति के मैदान में उतारेंगे, तो मैंने कहीं ना कहीं उनकी बात को ये मानकर ये माना था कि प्रशांत सन्नी यादव अभी उम्मीदवार होंगे, और इलाके ने भी माना था जब उन्होंने लाल अभी 15 अगस्त को जब ये भाषण दिया कि हम 1 लाख नौजवान जो साधारण परिवार से आते हैं उनको राजनीति का अवसर देंगे, तो सभी क्षेत्र के लोगों ने मुझे बधाई देना शुरू कर दी थी। क्यों, मैं ये बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, एक मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ पूरे हरियाणा में कि जो नौजवान हूँ, 36 साल मेरी उम्र हुई है, इन्होंने कहा नौजवान को टिकट देंगे, और ये कहा कि साधारण परिवार के व्यक्ति को टिकट देंगे, ये कहा कि सर्वे में जो सबसे ऊपर आएगा उसको टिकट देंगे, तो मैं आज बड़े खुले मन से कह रहा हूँ कि नौजवान, मैं 36 साल मेरी उम्र है, नौजवान होना ही मेरा टिकट मांगने का अधिकार नहीं है। मैंने 2 चुनाव लड़के ये साबित किया है कि इस इलाके की जनता मुझे अपने सेवक के रूप में देखना चाहती है, और दोनों चुनाव में, एक चुनाव में मेरे को 10,000 से ज़्यादा वोट मिले और 4,000 वोटों से मैं जिला परिषद का वो चुनाव जीता था, और दूसरा चुनाव मैंने 2019 में निर्दलीय लड़ा, मेरे को 22,104 मत मिले, जनता का खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा प्यार मुझे मिला, और साथ ही साथ एक नेता होने के लिए एक ये साबित करने होते हैं कि आपके पास जनता का जनाधार है या नहीं। 2018 में हमने उस ग्राउंड में रैली की जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रैली की, हमने कोई नेता नहीं बुलाया, वो भी पंचायत ने, इलाके ने रैली की थी, हमने वो रैली करके भी ये साबित किया कि जनता हमारे से प्यार करती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नौजवान होने के नाते मैं टिकट नहीं मांग रहा था, ये इलाका, ये देश, ये इनसे सवाल पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि आपको और किस प्रकार का योग्य व्यक्ति चाहिए जिसके पास इतनी क्षमता थी, जो बिल्कुल साधारण घर से, परिवार से जन्मा है, उसकी आपने टिकट काट दी। आप कह रहे थे सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, मैंने आज खुले मंच से कहा है अगर सर्वे में प्रशांत सन्नी यादव का नाम ना हो, अगर मैं ये जो बात कह रहा हूँ एक भी बात गलत हो, तो मैं बड़े खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की मदद करने का काम करूंगा। इन्होंने नौजवान को प्रशांत सन्नी यादव की टिकट नहीं काटी, इन्होंने उस हर नौजवान की टिकट काटी है जो आगे आने वाले देश के भविष्य के लिए लड़ना चाहता था। इन्होंने हर उस मध्यम वर्ग के परिवार को दबाया है जिनके परिवार के बच्चे राजनीति में आकर देश की सेवा करने चाहते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये वादा कोई नौजवानों के साथ ये नहीं किया कि सचमुच में ये नौजवानों को लेकर आना चाहते हैं, इन्होंने ये वादा लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए और अपने घर को भरने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए ये वादा किया था। चर्चा ये भी है कि पार्टी के साथ एक नेता का दबाव था, उनके रिकमेंडेशन से टिकट दी गई, तो डहीना कोसले की बात करने जिला पार्षद का चुनाव हारते उनको टिकट दे दी गई, रेवाड़ी में जो कैंडिडेट को टिकट दी गई जिनका काफी विरोध था उनके इलाके में, इसको किस तरह से देखते हैं, उस नेता की क्या भूमिका? देखिए मैं ये विश्वास कमी रह गया, आप उसका विश्वास नहीं जीत पाए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, बड़े खुले मन से मैं कहता हूँ कि ये सब जितनी भी बात कही इन्होंने, ये भारतीय जनता पार्टी एक कमजोर पार्टी है, इनको जिस भी नेता ने धमकाया है उसी नेता की टिकट की घोषणा हुई, और जो हमारे जैसे सच्चे सेवक हैं जिन्होंने लगातार, अब आप ये देखिए 2014 में, 2019 में, 2024 में, 2020 में रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में,
राजस्थान में बाबा बालकनाथ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति आके बताए कि प्रशांत सन्नी यादव की ड्यूटी लगाई थी, और मैंने निस्वार्थ बगैर ड्यूटी के हर चुनाव में पसीना भागकर, अभी 2014 जो 24 का चुनाव था, 51 डिग्री टेम्परेचर में मैंने घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर भारतीय जनता पार्टी की वोट की अपील की थी। ये पार्टी कभी भी वर्कर की नहीं है, ये कोई भी ये जो बातें बोलती है उस पर सच नहीं है, ये तो सिर्फ जो पार्टी को धमकाएगा, जो डराएगा उसको ये टिकट देंगे। मैं फिर वहीं आता हूँ, जब लोकसभा का चुनाव था 51 डिग्री का आपने भी जिक्र किया जी, आप हर मंच पे राव साहब के मंच पर नतमस्तक नारे लगाते जी, ऐसे विश्वास में क्या कमी रहेगी कि राव साहब आप पे विश्वास नहीं जाता पाए और क्यों आपको रिकमेंड नहीं किया? देखिए मैं ये बात खुले मन से कह रहा हूँ आज कि मैंने कभी भी ना राव इंद्रजीत सिंह जी की सेवा में कमी छोड़ी और ना भारतीय जनता पार्टी की सेवा में कमी छोड़ी, और ना मैं इस बात से नाराज हूं कि मेरी टिकट काट दी गई। नेताओं के पास लंबी लिस्ट होती है और लंबी उनके पास चर्चाएं होती है कि मेरे साथ ये नेता बड़े लंबे समय से लग रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने टिकट काटनी थी तो ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे, राय शुमारी हम करेंगे, लोगों को परेशान हम करेंगे, हम उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हम करेंगे, ये सब बातें इन्होंने नहीं कहनी चाहिए थी। आपको अगर मेरे से टिकट नहीं देनी चाहिए थी, वो तो देखो विश्वास में जीत पाया ना जीत पाया वो उनका मन जानता है, परंतु इलाके की जनता ये कह रही है कि जिसने भी इसकी टिकट काटी है उसने प्रशांत सन्नी यादव के साथ दगा किया है, धोखा किया है। एक आम आदमी, दो घरों के बीच में राजनीति चलती है जी, रामपुर हाउस कहते हैं जी, एक आम आदमी, एक आम परिवार का व्यक्ति सोचे कि उसको भी राजनीति, लेकिन वो आ नहीं पाता, आप भी इस तरह की बात कर रहे हो जी, तो इनकी क्या भूमिका देखते हैं और कितने जिम्मेदार है इसकी बदहाली के सिस्टम के? देखिए ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई भी राजनीतिक घराना ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति साधारण परिवार का जन्म ले, और ये मेरे जैसे व्यक्ति को तो इसलिए कुचलना चाहते हैं कि इन्होंने देखा कि एक बार सिर्फ जिला पार्षद बना है, उसके बाद ये सिर्फ रेवाड़ी विधानसभा में नहीं, मेरा प्यार प्रेम कोसली विधानसभा, बावड़ विधानसभा, पटौदी विधानसभा और अहिरवाल की लगभग लगभग सब सीटों पे मेरा प्यार प्रेम है। अब इनको ये खतरा लगता है कि ये हमारे बच्चे तो इतनी मेहनत कर नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे इनके इतने बीच में जा नहीं पाएंगे, ये अपने बच्चों को भविष्य को बचाने के लिए हमारे ऊपर एक नालायक लड़का या अपना लड़की जो भी अपना थोपने के लिए हम जैसे गरीब बच्चों को दबाने का काम कर रहे हैं। क्वेश्चन, अब तस्वीर लगभग क्लियर सी हो गई है जी, रेवाड़ी विधानसभा जी, बीजेपी से लक्ष्मण यादव, कांग्रेस से चिरंजीव राव और एक इंडिपेंडेंट वो भी डिसीजन नहीं लिया, पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव और एक आपने भी ऐलान कर दिया, अब चैलेंज क्या है आपके सामने, इनको किस तरह से आकलन करते हैं तीनों? देखिए आज जनता के बीच में जैसा कि मैंने देखता हूं, मैं राजनीतिक भाव देखता हूं, लोगों के मन की भावना देखता हूं, तो उनके मन में आज ये रोष है कि ये दो परिवारों ने हमेशा किसी ना किसी गलत व्यक्ति को हमें ऊपर लेके आए हैं। तो मैं आज बड़े खुले मन से कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी ये समर्थन मांगने जाएंगे, जो पार्टी कैडर से जुड़े व्यक्ति हैं मैं उनकी तो कह नहीं सकता, परंतु हर व्यक्ति में, आम जन में बहुत भारी रोष है, वो इनको वोट की चोट से 5 तारीख जब चुनाव के मतदान होंगे, जब नतीजे आएंगे, तो इनको वोट की चोट से ऐलान करने का काम करें। चिरंजीव से बेहतर क्यों आप? देखिए मैंने एक बात कही है कि उनके परिवार ने लगातार, पहले उनके दादाजी एमएलए रहे, आज पहले उनके पिताजी रहे, मंत्री रहे, आज वो एमएलए हैं, उन्होंने जो अपना काम किया है वो जनता के बीच में लेके जाएं, हम अपनी जो बातें हैं हम अपनी जनता के बीच में लेके जाएंगे, तय कोई भी चुनाव लड़ेगा वो कहेगा मैं उससे बेहतर हूँ, वो मेरे से बेहतर है, तो हम जनता को तय करना है कि कौन बेहतर है। और हमने लगातार जनता से एक ही वादा किया था, जब मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था मैंने ये कहा था कि अगर आप मेरे को विजयी बनाते हैं तो मैं आपकी कलम से सेवा करूंगा, और अगर आप मेरे को हराते हैं तो मैं आपकी रोड पे पसीने भागकर सेवा करूंगा, और ये मैंने साबित किया है। मैं एक भी दिन अगर कहीं भी समस्या हुई हो किसी नौजवान को, किसी बड़े बुजुर्ग को, किसी साथी को, कर्मचारी को, व्यापारी को, जहाँ कहीं भी प्रशांत सन्नी यादव की जरूरत पड़ी तो मैंने ये साबित किया है कि मैं उनके बीच में खड़ा रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं कहूँगा वो मैं करके दिखाऊंगा, और जनता जिस दिन मेरे को मौका देगी, आज मैंने मंच से ऐलान किया है कि 11 तारीख को हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, उस घोषणा पत्र में जो जो बातें कही गई हैं अगर हम उनमें 70% से कम, 1% भी अगर वादा पूरा कर नहीं कर पाए, 70% से कम रहे, तो हम जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जाएंगे। चिरंजीव को आपने बता दिया कि उनके पास एक लीगेसी है, वो उनके दादा रहे, पापा रहे, तमाम रहे। फिर लक्ष्मण को किस तरह से आंकते हैं आप? देखिए मैं लक्ष्मण जी के लिए ये कह रहा हूँ
कि अगर इन्होंने इतने अच्छे काम किए होते तो जैसे इन्होंने जाके मुख्यमंत्री जी के पास अपनी गुहार लगाई, राव साहब के पास भी बताते हैं गुहार लगाई, तो इन्होंने अपनी कोसली विधानसभा के लिए गुहार नहीं लगाई। इसको पता था कि जनता वहां आपको स्वीकार नहीं करेगी, आप गांव में जाओगे तो आपको बहुत भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने तो जाके ये सोचा कि रेवाड़ी एक सुन्नी धरती है, वहां भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मैं चुनाव जीत सकता हूँ। अगर इन्होंने काम किया होता तो कोसली की 7 टिकट मांगते, फिर इनको रेवाड़ी मिलती तो पार्टी का डिसीजन था। इन्होंने साथ ही साथ रेवाड़ी की टिकट मांग के साबित कर दिया कि कोसली में इन्होंने नकार दिया है। अब तीसरा कैंडिडेट जो कि आपका देखिए, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक उन्होंने, मैं उनको क्या कह सकता हूँ, जनता उनका जवाब देगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी चुनाव लड़ रहा हो, चाहे उनमें जिसने भी आपने नाम लिए हैं, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी बात लेकर मैदान में जाएंगे, मैं अपनी बात लेकर मैदान में जाऊंगा। और मेरे को ये जरूर पता है कि जनता ने इनको सबको मौका देके ये देखा है, मौका मेरे को भी दिया, 22,104 वोट दी, मैंने वो वोट लेके घर पे आराम नहीं किया। जिनका आप नाम ले रहे हो वो लगातार या तो चुनाव जीतकर चंडीगढ़ में आराम किया, और जो हार गए उन्होंने अपनी कोठी में आराम किया, जनता के बीच में नहीं गए। जनता इस बात से बड़ी नाराज है, और आज की समय में पहले जाके प्रचार प्रसार का जमाना नहीं था तो लोगों को जाकर समझाना पड़ता था, आज तो प्रचार प्रसार का सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग जान चुके हैं कि कौन कितने पानी में है। अगर उन्होंने इतनी सेवा का मन बनाया होता तो खुद अपने मुंह से उन्होंने कहा कि 7 साल मैं जनता से दूर रहा, मेरे पास पैसे का अभाव था। तो मैं तो ये बड़ा खुले मन से कह रहा हूँ, जनता पैसा नहीं प्यार मांगती है, जनता नेता से पैसे नहीं मांगती, इलाके के मुद्दे को सोल्यूशन मांगती है। तो अगर मेरे पास कौन सी, मेरे दादा परदादा की फैक्ट्रियां चल रही थी, हमने भी जब संकल्प ले लिया, शहीद आजम भगत सिंह जी ने संकल्प लिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने संकल्प लिया, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने संकल्प लिया कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा हम आपके देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए इसलिए हम आपके बीच में नहीं थे। ऐसा ही संकल्प प्रशांत सन्नी यादव ने ले रखा है कि जब तक आपके बीच में रहूंगा आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं कभी भी जनता के बीच में जाके ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए, जनता को सब कुछ पता है, पैसे खत्म हो जाएंगे जनता फिर देंगी, परंतु वो ये चाहती है कि हमारी आवाज़ को बुलंद आप करते रहें, पैसे का उसमें कहीं रोल नहीं रहता है। तो ये सब चीज जनता संभाल चुकी है, वो जवाब सबको देने का काम करेगी। एक क्वेश्चन और लास्ट में बनता है, जब हम लोगों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि चिरंजीव पे तो कर्ज, सॉरी माफी चाहूंगा, सनी पे तो कर्ज इतना, वो कैसे चुनाव लड़े? देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अरबपति आदमी हूँ, मैंने ये कहा कि ये इनकी गलत फहमी है, इन्होंने टिकट कटवाने में भी ये बहुत बड़ी बात करी कि सन्नी के पास कर्जा है कर्जा है कर्जा है। मैं कह रहा हूँ कि कर्जा है, मैं कभी नहीं कहा कि मेरे पास बहुत बड़ी अपार धन संपत्ति है, पर चुनाव लड़ने वालों को अगर उसकी भावना सही है, कहीं मंदिर बनता है गुरुद्वारा बनता है, अगर लोगों की भावना सही है तो उनके पास पैसे की कमी कभी नहीं रहती। ऐसे ही इस प्रशांत सन्नी यादव ने आज भी ऐलान किया है, और आने वाले समय में आप देखोगे 11 तारीख को भी आप देखोगे कि लोग अपने पैसे से चुनाव लड़ेंगे। पंचायत ने आज फैसला लिया, मेरे को मेरे पैसे की क्या जरूरत है, लोगों ने आज पंचायत ने फैसला लिया है पंचायत चुनाव लड़ेगी। और अगर ये कहते हैं कि लोग भी गरीब हैं तो वो लोग इनको जवाब देंगे कि किस मुंह से उनके पास ये वोट मांगने जाएंगे।